दोस्तों कभी कभी लगता है इंसान का अहंकार अपने आप से कंट्रोल खो देगा, किसी ना किसी दिन पृथ्वी को लेकर डूबेगा। इसका एक दृश्य हमें रशिया यूक्रेन वार में दिखता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना आकाश राठौर एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों एक समझौते की लड़ाई ने लाखों सैनिकों की जान ले ली। बात ईगो पर जो आ गई थी, इस ईगो की वजह से ना जाने कितनी माओं की कोख खाली हो गई। इतना जाने के बावजूद भी ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों इस लड़ाई ने ना जाने कितने घर उजाड़ दिए। आम जनता को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। किसी का गम तो इतना गहरा है, उस गम को भरने के लिए आज तक मरहम की दवा नहीं बनी। दोस्तों जब दुनिया अपने घरों में खुशहाल समय बिता रही थी, उस वक्त कोई अपना बच्चा खो रहा था, तो कोई अपना भाई, तो कोई अपनी बहन, तो कोई अपनी माँ। 6,000 से ज्यादा सिविलियन मारे जा चुके हैं, वहीं दोनों देशों के 1,00,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। दोस्तों ये आंकड़ा दिल दहला देने वाला है। इतनी संख्या में तो पूरा एक शहर बसाया जा सकता है। अभी भी ये आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। मरने वालों की दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। कुछ लोग लापता है तो कुछ लोग देश छोड़ने को मजबूर है। दोस्तों इतना कुछ होने के बावजूद भी दोनों देशों के नेता अपनी बात पर डटे हुए हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोस्तों कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला हम नहीं कर सकते, पर इंसान की मानसिकता को हम समझ सकते हैं। आज हम उस इंसान को देख रहे हैं जो अपने आप से आपा खो चुका है। दोस्तों एक समय पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनका काम था बाहर से आई किसी भी मुसीबत से निपटना, अपनी प्रजा की हिफाजत करना। दोस्तों राजा तो आज भी है, पर मॉडर्न जमाने की हाई फाई टेक्नोलॉजी से लैस। पर आज लड़ाइयां प्रजा के लिए नहीं होती, आज लड़ाइयां होती है जमीनों के लिए। उस जमीन को पाने के लिए 100-150 हजारों की जाने गंवानी पड़े तो चलेगा। दोस्तों इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी जाने जाने के बावजूद भी बात परमाणु तक पहुंच चुकी है। रशिया ने क्लियर स्पष्ट बातों में यूक्रेन को कहा है, अगर यूक्रेन ने अभी भी बात नहीं मानी तो रशिया यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला करेगा। दोस्तों अगर रशिया ने ऐसा किया तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है। अगर रशिया ने ये कदम उठा लिया तो ना जाने कितनी जाने जाएगी। फिर ऐसा भी हो सकता है रशिया यूक्रेन के साथ साथ दुनिया के कई एरियो में जंगे छिड़ जाए, क्योंकि हर एक देश की अपनी अपनी जमीनों को लेकर समस्याएं हैं। दोस्तों हम तो यही चाहेंगे ये काला दिन हमें कभी भी नहीं देखने को मिले। आप सभी की इस बात पर क्या राय है, प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।